हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू द अनदर वीडियो ऑफ स्पोर्ट्स न्यूज़। गाइस आज भी बहुत सारे अपडेट्स हैं, जैसे कि CPL इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान, UEFA चैंपियंस लीग, NBA टाइगर वुड्स के बेटे, इंडियन फुटबॉल टीम से लेके और भी बहुत कुछ। तो पूरी तरह से अपडेटेड रहने के लिए गाइस स्पोर्ट्स न्यूज से फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड वीडियो को पूरी देखना गाइस। सो विदाउट वेस्टिंग एन टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस आज हम बात करेंगे सबसे पहले CPL के बारे में, यानी कैरेबियन प्रीमियर लीग के बारे में गाइस, जो कि आज से शुरू हो रहा है, जिसके इसका पहला मैच आज शाम को 7:30 बजे से शुरू होगा। ट्रिनबैगो नाइट राइडर्स वर्सेस गुयाना अमेजन वॉरियर्स के बीच गाइस। और ये गाइस इससे पहले इसका जो टेलीकास्ट राइट्स था वो सोनी के पास था, पर अब ये स्टार नेटवर्क पे है गाइस, तो स्टार स्पोर्ट्स पे आपको दिखेगा इसका लाइव गेम, ठीक है। या फिर आप फैन कोड ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, वहाँ में इसको आप लाइव स्ट्रीम आप देख सकते हो गाइस। तो गाइस इसका दूसरा मैच का भी शेड्यूल दिया गया है, जैसे कि दूसरा मैच होगा सुबह के 3 बजे से गाइस, और कल ही है तीसरा मैच भी, जो कि कल 7:30 बजे से शाम का होगा गाइस। तो इसी तरह से आज से शुरू हो रहा है, तो होप वी सी मोर क्रिकेट। तो गाइस इससे रिलेटेड शायद रोज़ अपडेट्स आएँ, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा गाइस। इसी चैनल पे मैं आपको सब अपडेट्स देता रहूँगा गाइस। तो गाइस अब हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का सेकंड टेस्ट जो चल रहा था गाइस, वो गाइस मैच ड्रॉ हो चुका है जैसा हमने प्रिडिक्ट किया था, क्योंकि ऑब्वियसली 2 दिन बारिश में जैसे खेल नहीं पाया, 1 दिन पूरा क्या बोलते हैं उसे वॉश आउट हो गया, तो इस तरह से तो ड्रॉ होना ही था गाइस। पर इसमें गाइस मैन ऑफ द मैच बने हैं मोहम्मद रिजवान, पाकिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन, जिन्होंने 70 odd runs बनाए थे फर्स्ट इनिंग्स में गाइस। तो गाइस बढ़ते हैं अब अगली न्यूज़ की ओर। अब हम बात करने वाले हैं गाइस बॉब विलिस ट्रॉफी, यानी काउंटिंग चैंपियनशिप जिसे हम कहते हैं इंग्लैंड का डोमेस्टिक क्रिकेट, तो उसमें काफ़ी अच्छे चल रहे गाइस नॉर्थ ग्रुप, सेंट्रल ग्रुप, साउथ ग्रुप के मैचेस। तो आप लोग जैसे कि देख सकते हैं स्क्रीन को, आप पॉज करके देख सकते हैं गाइस इस वीडियो को सारे चीज़ें। तो गाइस बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की ओर। तो गाइस अब हम बात करने वाले हैं IPL के बारे में गाइस। गाइस रिसेंटली IPL का ये जो स्पॉन्सरशिप टाइटल का जो था वो बिडिंग पे चल रहा था, तो इसका टाइटल खरीद लिया है गाइस Dream11 ने। सीरियसली Dream11 एक फैंटेसी ऐप है गाइस, जहाँ से आप मतलब बैटिंग करके पैसे कमा सकते हैं, और इन्होंने ख़रीद लिया है गाइस IPL का 2020 का टाइटल स्पॉन्सरशिप। तो गाइस अब IPL होगा Dream11 IPL। गाइस ये टाइटल स्पॉन्सरशिप उन्होंने Dream11 ने ख़रीदा है 222 करोड़ इंडियन रुपीज़ में गाइस। IPL चेयरमैन ब्रिजेश पटेल ने कंफर्म किया है। Dream11 ने बीट किया है अन अकेडमी, जिसने 171 करोड़ लगाया था, और बायजू जिसने 201 करोड़ लगाया था गाइस, जो कि अभी ये 8 अगस्त से लेकर December 31 के 2022 की एक डील रहेगा, उसके बाद ये डील ख़त्म हो जाएगा गाइस। बढ़ते हैं अब अगली न्यूज़ की ओर गाइस। अब हम बात करने वाले हैं दिल्ली कैपिटल्स के बारे में गाइस। दिल्ली कैपिटल एक IPL का फ्रेंचाइज है गाइस, तो इनका एक प्लेयर क्रिस वॉक्स, जो कि इंग्लैंड के प्लेयर हैं, वो उन्होंने अपने आप को IPL से पुल आउट कर लिया है, मतलब निकाल लिया है इस एडिशन के लिए, ताकि वो इंग्लैंड समर के लिए वो फ्रेश और अवेलेबल रहे गाइस। तो इनके रिप्लेसमेंट दिल्ली कैपिटल्स हैं एनरिच नॉर्टे, यानी एक साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलर को इनसे रिप्लेस किया है, जो कि KKR तो खेले थे, लिए थे KKR ने पिकअप किया था पिछले साल, पर इस मिस कर गए थे, पर इस साल वो खेलेंगे दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से गाइस। तो बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की ओर। और अब हम बात करने वाले हैं Formula 1 के बारे में गाइस। Formula 1 का सर ये SpanishGP चल रहा था, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, तो उसके क्वालिफाइंग राउंड में तो लुइस हैमिल्टन ने जीता, लेकिन स्पेनिश का जो ग्रैंड प्रीमियर था उन्हें भी जीता गाइस हैमिल्टन ने आसानी से, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, और इसे पोस्ट करके आप देख लीजिएगा, आपको और अच्छी तरह से देखना है। तो गाइस तो बढ़ते हैं अब अगली न्यूज़ की ओर। तो अब हम बात करने वाले हैं NBA के बारे में गाइस। तो गाइस NBA का प्लेऑफ्स का राउंड 1 शुरू हो चुका है, और ये देखिए उस दिन से चलते आ रहा है, Game 1 सबका हो रहा है, और कल भी हुआ था और आज भी हुआ है, और आज रात और कल सुबह भी होगा,
तो गाइस इस सब का गेम का हाइलाइट्स NBA के YouTube चैनल से आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके, वरना इन्हीं वीडियोस को डायरेक्ट आप क्लिक करेंगे गूगल पे सर्च करके NBA को, तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी रिडायरेक्ट करेगा वो आपको YouTube चैनल में NBA का, तो आप वहाँ से भी वीडियोस देख सकते हो गाइस। तो गाइस देखिए जैसे कि अभी चल रहा है ये NBA का मैचेस, इसको आप पूरी अच्छे से देखना चाहते हो तो प्लीज़ इसको वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा गाइस। तो बढ़ते हैं अब अगली न्यूज़ की ओर। अब हम बात करने वाले हैं गाइस बैडमिंटन के बारे में गाइस। तो गाइस इंडिया के फॉर्मर बैडमिंटन प्लेयर्स का ये मानना है और ये सजेशन है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI को कि वो भी एक बायो बबल मतलब तैयार सेफ्टी रेडी करें और कंडक्ट करें नेशनल बैडमिंटन कैंप जो सब रहता है सब प्लेयर्स के लिए गाइस। अच्छी सूझी है तो शायद SAI स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये अपनाएं, देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी कुछ होता है मैं आपको अपडेटेड कर दूंगा गाइस, तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको सब अपडेट मिल जाएगा गाइस। तो बढ़ते हैं अब अगली न्यूज़ की ओर। अब हम बात करने वाले हैं जापान के बैडमिंटन के स्टार अयाका ताकाहाशी जो कि वुमेन्स डबल्स गोल्ड मेडलिस्ट हैं ओलंपिक के 2016 रियो डी जेनेरियो में। तो गाइस ये इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है अयाका ताकाहाशी ने जो कि 30 इयर्स की हैं और इनके पार्टनर जो मिसाकी मात्सुटोमो हैं जिन्होंने वुमेन डबल जीता था ओलंपिक में, तो वो 28 इयर्स की हैं पर इन्होंने ले लिया है रिटायरमेंट। तो गाइस ये था न्यूज़। ये पहली वुमेन्स बनी थी दोनों जापान का जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया था गाइस बैडमिंटन में। तो बढ़ते हैं अब अगली न्यूज़ की ओर। तो अब हम बात करने वाले हैं US ओपन के बारे में गाइस। US ओपन एक टेनिस टूर्नामेंट है गाइस। तो गाइस इसके एक जाना माना हस्ती स्टार प्लेयर सिमोना हेलेप जो इस बार US ओपन नहीं खेलेंगी, सेरिना विलियम्स, नाओमी ओसाका एंड सोफिया केनिन वो सब तो खेलेंगे ही इस इवेंट में और काफ़ी सारे स्टार पावर भी देखने को मिलेगा इस पर, सिमोना हेलेप नहीं खेलेंगी इस बार के US ओपन ड्यू टू सम रीजंस आई डोंट नो, ये मेंशन नहीं हुआ है उनके तरफ से भी। जब भी कुछ मेंशन हो जाएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा गाइस, उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सब पूरी तरह से अपडेट रहने के लिए गाइस। के बढ़ते हैं अब अगली न्यूज़ की ओर। अब हम बात करने वाले हैं टाइगर वुड्स के बारे में गाइस। टाइगर वुड्स एक बहुत ही जाने माने हस्ती हैं गाइस गोल्फ की दुनिया से, काफ़ी अच्छे गोल्फ प्लेयर हैं। तो उनका बेटा चार्ली जो 11 साल की उम्र का है उसने अभी एक गोल्फ का टूर्नामेंट जीत लिया है गाइस ने पिताजी की आंखों के सामने। तो गाइस काफ़ी प्राउड मोमेंट होगा पिताजी के लिए, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम। तो बट गाइस पढ़ते हैं अब अगली न्यूज़ की ओर। अब हम बात करने वाले हैं फुटबॉल के बारे में गाइस। तो गाइस फुटबॉल की दुनिया से पहला न्यूज़ हम बात करेंगे इंडियन फुटबॉल टीम की तरफ से। इंडियन फुटबॉल टीम का ने वेलकम किया है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन यानी AFC का डिसीशन को, जिन्होंने रीशेड्यूल किया है एशियन क्वालिफाइंग मैचेस फॉर द 2022 फीफा वर्ल्ड कप जी COVID-19 की वजह से। तो उन्होंने कहा ठीक ही है क्योंकि सबको चांस मिलेगा अगर COVID-19 है, तो ओबियसली क्वालिफाइंग राउंड को रिस्केड्यूल यानी पोस्टपोन कर दिया है 2021 तक, और ये 2022 का वर्ल्ड कप है तो शायद थोड़ा रश होगा उस टाइम, तो देखा जाएगा वो लोग कैसे वो करते हैं गाइस। तो गाइस बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की ओर। अब हम बात करने वाले हैं UEFA चैम्पियंस लीग के बारे में गाइस। तो गाइस मेरा प्रेडिक्शन इसमें थोड़ा गलत निकल गया, मुझे लगा था कि मैनचेस्टर सिटी ही जीतेगा पर मैनचेस्टर सिटी 3-1 से लियोन के साथ हार गया है जो कि हुआ था संडे को 16 तारीख। तो अब सेमीफाइनल में है RB लेपजिग वर्सेस पेरिस और लियोन वर्सेस बायर्न म्यूनिख। तो गाइस कल 12:30 बजे सुबह का ये मैच है पहला सेमीफाइनल और परसों को दूसरा सेमीफाइनल होगा उसी टाइम 12:30 बजे और सेमीफाइनल होगा 24 अगस्त को गाइस। तो यार आज के लिए बस इतना ही, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो और मैं आपको पूरी तरह से स्पोर्ट्स की दुनिया से अपडेटेड करा पाया हूँ। तो इसी तरह से अपडेटेड रहने के लिए स्पोर्ट्स की दुनिया से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तो बाय बाय एंड हाई फाइव।